Hey guys, thanks for watching MP Relations. Today we are going to discuss class 9 maths surface area and volume first part. अभी मुझे आशा है तुम लोगों ने सारा formulas learn कर लिया, ठीक है? क्योंकि that will help, मतलब ये पूरा chapter में help करेगा वो चीज, ठीक है? तो without further delay हम लोग start करते हैं example 1, okay? Now example 1 you will get in page number 211 of your textbook. Now example 1 पे mention किया है कि देखो question, पहले question पढ़ लो, ये सब चीज देखो, एकदम धीरज से दिमाग से काम करो. calculation part ही थोड़ा lengthy होगा, once you understand calculation भी easy हो जाएगा, ठीक है? Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place a tree on a wooden box covered with a colored paper, picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has a length, breadth and height is given this, how many square sheet of paper of size 40 cm would be required? अच्छा, अभी क्या बोला मैरी ने, क्या क्या करना चाहता है वो? एक बॉक्स है, ऑफ कोर्स लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग-अलग है, दैट मींस इट इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स. ओके, दिस इज द बॉक्स वेयर लेंथ इज गिवन एज हाउ मच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 80 40 एंड 20. 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड ये वाला होगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है? length, breadth and height are given to you. Now, क्या बोला तुमको? इसको cover करना है. This box she has to cover with a paper. और paper क्या है? वो square size का paper है. और उसका length भी पता है तुम्हारा 40. Since this square paper, तो all side में क्या होगा? 40 होगा चारों side. तो अभी बताओ, questions है कि ऐसा कितना paper चाहिए? Say, n number of paper चाहिए. कितना पेपर चाहिए पूरा उसको कवर करने के लिए? तो सिंपल सा बात सोचो, जो इसका सपोज ये वाला बॉक्स है, तो इसको मैंने कागज के टुकड़े से लगाना है, ठीक है? पूरा कवर करना है, तो कितना कागज का टुकड़ा लगेगा? तो तुम सोचो, ये कागज का टुकड़ा है, मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है? इस तरफ बचा है थोड़ा जगह, यहाँ पे बचा, ऐसा करके कितना कागज का टुकड़ा लगेगा इसको पूरा कंप्लीट करने में? मतलब कागज का एक टुकड़ा का एरिया जितना होगा, अगर ऐसा पांच टुकड़ा लगा तो पांच का एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वही तुम्हें किसका एरिया देगा? इस बॉक्स का एरिया देगा कि नहीं? तुम ही सोचो, ये कागज का एरिया है येलो पेपर, ठीक है? ये इसका एरिया है, इसका एरिया तुम्हें पता है, और इसको एक साइड में लगा दिया तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो एक साइड का एरिया मिल गया. तो ये दो साइड, थ्री साइड, फोर्थ साइड और फाइव साइड एंड सिक्स साइड, तो एक का एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेपर, कितना पेपर है, सपोज 6 पेपर लगा, तो वो मिलके क्या होगा? ये बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा. टोटल सरफेस एरिया होगा कि नहीं? बिकॉज़ टॉप और बॉटम को भी हमको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है? अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. तो गिवन लिख लेते हैं, पहले गिवन फॉर बॉक्स, फॉर बॉक्स लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 40 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गया तुमको, तो अभी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है. अच्छा, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एचएल, ठीक है? देखो, तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 lb मतलब 8 इनटू 80 इनटू 40 प्लस 40 इनटू 20 प्लस 20 इनटू 80, ठीक है? तो 2 जाने से 8 4 जा 3200 प्लस 4 2 जा 8 800 प्लस 8 टू 16, तो ये 1600. तो 2 इंटू 3200 प्लस 800 क्या होगा? 4000, 5600. तो
5600 ये हो गया तुम्हारा, मैंने इंटू नहीं किया छोड़ दो इतना तक, ये हो गया तुम्हारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुम ही बताओ, मैंने अभी बोला क्या, एक का जितना एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाई एन मतलब नंबर ऑफ पेपर्स हम लोगों को क्या देगा, ये बॉक्स का एरिया देगा। तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या होगा, 40 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द नंबर ऑफ, इसके पहले लिख दो लेट द नंबर ऑफ शीट बी एन, नंबर ऑफ शीट्स बी एन। तो एक का एरिया मतलब 40 × 40 इंटू नंबर ऑफ शीट्स, 40 × 40 इंटू नंबर ऑफ शीट्स करने से क्या हो गया, कितना पेपर चाहिए मिल गया हम लोगों को, ये करने से क्या आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया का समान होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 × 56 सो इक्वल्स टू 2 × 5600। तो यहाँ से अननोन क्या है, एन, तो एन इक्वल्स टू क्या होगा, 2 × 5600 / 40 × 40 एकदम सा सिंपल सा चीज है। तो ए बुक में डायरेक्टली क्या किया, बड़ा वाला एरिया से छोटा वाला एरिया डिवाइड कर दिया, लेकिन मैंने दिखा दिया क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि एक का एरिया मल्टीप्लाइड बाय कितना शीट्स विल गिव अस, अगर 5 शीट होता है तो एक का एरिया इनटू 5 करने से ये मिलता, तो हम लोगों को पता नहीं है कितना, तो वही निकालना है। और तुम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूँ कि जितना तक मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहने से उतना तक ही रखो, जब तुम्हें लगता है कि डिवाइड जाएगा, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस ऑफ कैंसिलेशन, तो मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करके फिर डिवाइड करो, उससे अच्छा है क्या, ऐसे ही करो, ठीक है। तो 2 0 गॉट कैंसिल विद दिस 2 0, 2 × 2 = 4, 2 से 56 जाएगा, 2 × 2 = 4 = 16 = 28, और 2 × 2 = 4 और 2 कितना होगा 14, 2 × 2 = 7, तो n equals to 7, तो नंबर ऑफ शीट्स क्या होगा, 7 है ना आंसर, वो देख लेता हूँ, हाँ देखो, therefore number of sheets required equals to 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो दोनों तरफ से कटाकुटी जाएगा, तो नंबर ऑफ शीट्स क्या आएगा, 7, मतलब ऐसा अगर 7 शीट्स जोड़ते हो यहाँ पे, तो इसका टोटल बॉक्स कवर होगा, तो समझ आया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 312 एग्जांपल 2। अभी देखो एग्जांपल 2 जो है वो क्या बोला, हमीद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लीड फॉर हिज हाउस, ठीक है, एक क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्या था, सेकंड वाला जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा सेम होगा, सो ये क्यूबिकल टैंक है, वाटर टैंक है, ठीक है। तो सेम चीज उसका लीड है मतलब उसका ढक्कन है, ठीक है, ऐसा बनाया है उसने, ईच ऑफ साइड 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर है मतलब ये भी तुम्हारा 1.5 मीटर होगा, ये भी तुम्हारा 1.5 मीटर होगा, मींस ए इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of 25 cm. अभी देखो ये जो चारों तरफ इसने स्क्वायर टाइल्स लगाया है, ये एक टाइल्स है सपोज ऐसा 1 और एक 2 ऐसा 3 ऐसा करके पूरा जगह भर दिया टाइल्स से एक्सक्लूडिंग द बेस, क्योंकि जब तुम रखोगे इस पे सपोज ये टैंक है इसके नीचे जब रखोगे ये पार्ट से मिट्टी के साथ मिल जाएगा ना, इसको उसने टाइल्स नहीं लगाया, ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट्स में टैंक में मतलब टाइल्स लगाया, ठीक है, और टाइल्स का भी मेजरमेंट दे दिया 25 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स ये अगर 25 दे दिया तो इसको भी इसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो 1.5 × 100 सेंटीमीटर तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा एक साइड, ठीक है। अच्छा ओके, हाउ मच वुड ही स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ
360 पर डजन, एक डजन में 360 रुपीस लगता है टाइल्स का। तो टाइल्स का कॉस्ट छोड़ दो पहले, तो फिर क्या निकालना होगा, कितना टाइल्स लगा वो निकालना है। समझ में आ रहा है ना, ये पार्क साइड है तो उसमें से सारा जगह में तुमने टाइल्स लगाया छोटा छोटा, तो कितना टाइल्स से कवर अप हुआ वो वाला पार्ट, दैट यू नीड टू फाइंड, राइट। तो पहले तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो देखो वो भी सेम चीज है थोड़ी देर पहले जो शाम किया था। अगर टोटल एरिया पता है हमको, टोटल एरिया कैसे निकलेगा, इस साइड अगर पता है तो पांच साइड का एरिया निकाल लेंगे। फिर एक टाइल्स का एरिया पता है तो वन टाइल्स इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, पूरा टाइल्स करने से क्या होगा, तो समझ आ रहा है ना। यहाँ पे ये छोटा छोटा टाइल्स लगा है, ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, छोटा छोटा टाइल्स लगा है, मतलब क्या है, एक टाइल्स का एरिया इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, कितना टाइल्स लगा है, वो मिलके क्या होगा, टोटल एरिया का समान होगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन गिवन ए मतलब साइड, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब ए मान लो कितना है, 1.5 मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में ले लो, 1.5 इनटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ फाइव सरफेसेस क्या होगा, बोलो बताओ। अभी एक का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है। देखो यहां पे तुमको हर एक पॉइंट पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने से नहीं होगा, इसलिए तुमको सिखाया था मैंने फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। एक का साइड का स्क्वायर अगर ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ये टोटल का इसका एरिया। तो ऐसा कितना सरफेस है, एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार पांच, क्योंकि बेस तो नहीं है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला था तुमको, सीए से भी नहीं है, टीए से भी नहीं है, लेकिन कस्टमराइज फॉर्मूला ऐसे लगाना पड़ेगा तुमको। तो एरिया फाइव सरफेस क्या होगा, फाइव इंटू ए स्क्वायर। अगर एक का ए स्क्वायर होता है तो हम लोगों ने चार के लिए फोर ए स्क्वायर लगा था और छह के लिए सिक्स ए स्क्वायर लगा था, लेकिन यहाँ पे पांच साइड को तुमको करना है, इसलिए फाइव ए स्क्वायर। तो फाइव इंटू कितना है, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इतना तक ही रख दो, ठीक है। अभी फॉर द टाइल्स देखो, फॉर द टाइल साइड इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा, 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ वन टाइल वो भी क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या था, साइड इनटू साइड, स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, मतलब 25 इनटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ वन टाइल। और पकड़ लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टाइल्स बी, लेट द नंबर ऑफ टाइल्स बी एन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाओ खुद से, देखो यही पार्ट तुम्हें डायरेक्टली गिवन है बुक में, तो वो पार्ट ही तुमको समझ के खुद से करना है। तो एक का एरिया कितना है, 25 इनटू 25 एक टाइल्स का एरिया, टाइल का एरिया इनटू कितना टाइल्स लगाया हमने, एन टाइल्स, सब जगह मिलके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारा साइड में सर्फेसेस मिलके एन टाइल्स लगाया, तो इनटू एन करने से क्या देगा, ये पांचों सर्फेस का एरिया का समान होगा ना, दैट विल बी व्हाट, 5 इनटू 150 स्क्वायर, मतलब 150 इनटू 150, ठीक है। तो वहां से क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा, n इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इनटू 150 इनटू 150। इफ यू सी केयरफुली, मैं कोई भी जगह पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, सबको ऐसे ही मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में छोड़ दे रहा हूं, बिकॉज़ मेरा अल्टीमेट गोल ये सब फाइंड करना नहीं है, वो सब तो एक में किया था। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, सो फॉर आवर बेटर कैलकुलेशन हम लोगों ने ऐसे रख दिया, और ये 25 इनटू 25 नीचे आ जाएगा, 25 इनटू 25, ठीक है। अभी 5 5 से 25, 5 1 5 5 3 से 15 मतलब 30, 5 5 से 25, 5 3 से 15 20, 5 6 से 30 मतलब 3 6 से 18 मतलब 180 टाइल्स है। n equals to 180 मतलब क्या है, कितना टाइल्स है, ए 180 टाइल्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू 180 तुमको मिल गया। अभी बोला एक डजन टाइल्स का दाम है 1360 रुपीस, एक डजन मतलब कितना है, 12, तो पकड़ लो
Now, tell me the cost of 12 tiles. 12 tiles का cost कितना है? Rupees 360. So therefore, cost of one tile. T-I-L. क्या होगा? Rupees 360 by 12. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 12 बन जाए 12. 12. 3 जा 36. 30 हो जाएगा. तो rupees 30. तो cost of 12 tiles equal to 360. तो cost of one tile कितना होगा? 30 rupees. और कितना टेल्स निकला हम लोगों का क्वांटिटी यूनिटरी मेथड में अप्लाई किया तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना टेल्स 180 टेल्स वही निकालना है अपन को इक्वल्स टू क्या होगा रुपीस 30 इनटू 180 तो क्या होगा ये 18 ये 2 0 आएगा 3 8 जा 24 2 कैरी 3 4 5 5400 रुपीस This is the correct answer. 5400. So total cost कितना होगा? 180 tiles का 54. समझ आने का था? Okay. ये part two होगा. Sorry. अभी देखो, हम लोगों का aim क्या है? मेरा aim है, पर तुम्हारा भी अभी aim है क्या? एक class में, एक video में, एक exercise complete करना. ठीक है? तो at least 10 to 15 sums होगा. हर एक तो possible नहीं है यहाँ पे solve करना. So what I will do is, I will explain each and every sum. उसके हिसाब से तुमको मैं एल्गोरिथम वो स्टेप्स सिखा दूंगा कि क्या किसके बाद क्या करना है बट यू हैव टू फॉलो दैट एंड डू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ द वे आई हैव शोन इन द एग्जांपल मतलब कैलकुलेट लास्ट में करना है जहां पे डिवाइड का बात आएगा यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इन द बिगिनिंग ठीक है तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर इज मेड अच्छा तो देखो नंबर 1 ये मैं अगर इजी है तो नहीं दिखाऊंगा खुद से करना अगर टफ है तो मैं दिखा दूंगा ठीक है सो सपोज दिस इज अ बॉक्स ठीक है ये एक बॉक्स है कितना है 1.5 मीटर लॉन्ग ये है 1.5 मीटर अच्छा 1.25 मीटर वाइड ये है तुम्हारा 1.25 मीटर वाइड और 65 सेंटीमीटर डीप मतलब हाइट है 65 सेंटीमीटर ठीक है तो ये सेंटीमीटर में है देखना और ये दोनों मीटर में है ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू सेंटीमीटर तो पहले तो तुम क्या काम करोगे 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में लेके आओगे तुम्हारा इजी के लिए अच्छा नहीं ऐसा मत करो लास्ट देखो क्वेश्चन में टू पार्ट क्या है द कॉस्ट ऑफ दिस इज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीस 20 तो इसको मीटर में लेने दो क्या करोगे इसको मीटर में लेके आओ फिर तुम्हारा इजी होगा ठीक है इट इज ओपन एट द टॉप मतलब ये वाला पार्ट क्या है खाली है इट इज ओपन मतलब टॉप में कुछ नहीं है ठीक है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स तो देखो अभी क्या निकालना है सीएसए भी नहीं है टीएसए भी नहीं है हर क्योंकि सीएसए होने से ऊपर और नीचे वाला ओपन होता टीएसए होने से सारा जगह लेकिन इसका टॉप ही सिर्फ ओपन है तो तुमको क्या फॉर्मूला कस्टमाइज करना है फिर से तो पहले तो गिवन लिखोगे तो टोटल एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इनटू देखो ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट क्या है ओपन है ना तो सीएसए पहले लिख दो सीएसए के साथ अगर ऊपर वाला पार्ट ऐड कर दोगे तभी हो जाएगा ना तो सीएसए क्या था 2 इनटू एलएच प्लस बीएच एच कॉमन लेने से 2HL प्लस B था ये था तुम्हारा CSA CSA मतलब ये चारों साइड देखो यही चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ये टॉप ओपन है इसके तरह टॉप पे कुछ नहीं है ठीक है चारों साइड 1 2 3 4 मतलब CSA दिस इज द फार्मूला ऑफ CSA और क्या होगा बेस तो होगा ना वो तो कवर अप होगा तो उसका उसके साथ क्या कर दोगे बेस का एरिया क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ दिस इज आवर लेंथ दिस इज आवर ब्रेथ तो उसके साथ एक L इनटू B करोगे हम लोग इनिशियल जनरली क्या करते हैं दो एल इंटू बी करते थे क्योंकि बोथ साइड था अभी एक साइड ओपन है तो लिखेंगे एल इंटू बी ठीक है तो पहले ये निकालो फिर दोनों को प्लस कर दो तुमको टोटल एरिया मिल जाएगा ठीक है हो गया खत्म अच्छा अभी जो एरिया आएगा वो तुम्हारा किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस सेंटीमीटर इंटू मीटर ठीक है मीटर स्क्वायर में आएगा
फिर कॉस्ट ऑफ एरिया कॉस्ट निकालने बोला, तो पहले हुए क्या, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो, रुपीस 30, 30 ने कितना दिया है, हाँ 20 सॉरी 20, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर जो यहाँ क्या आएगा वो मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, रुपीस 20 इंटू दैट मच जो आएगा यहाँ, ठीक है, वो करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है, ओके। अभी आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग दिया है, देखो द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 एंड 3, ये 5 है ये 4 है ये 3 है मान लो, ठीक है। अभी क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम एंड सीलिंग एट अ रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर, चारों वॉल कलर करेगा और फ्लोर भी सीलिंग भी कलर करेगा, तो फॉर्मूला तो सेम ही होना है ना, अभी ये पार्ट ओपन नहीं है, कौन सा पार्ट ओपन है, नीचे वाला पार्ट ओपन है, ठीक है, तो ये चार साइड का और टॉप का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ हो, तो यही फॉर्मूला लगा के तुमको क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा, फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7.50, तो कॉस्ट ऑफ जितना मीटर स्क्वायर आएगा वो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एकदम सिंपल है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर, मतलब ये सपोज ये हॉल है, ये हॉल है ऊपर, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर है, ये बेस है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन, गिवन पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना 250 मीटर, इट इज गिवन पेरीमीटर इज 250 मीटर, ठीक है। अभी क्या बोला, देखो If the cost of painting the four walls at a rate of a meter square is 1500, find the height of the wall. अच्छा, तो देखो, perimeter का formula क्या है बताओ, rectangle का, 2 into length plus breadth equals to 250 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, length plus breadth equals to 250 by 2 equals to 125 meter, तो तुमको मिल गया क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ मिल गया, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 125 मीटर। अभी तुमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, और अभी क्या बोला कि इसको तुमको कलर करना है, ठीक है, एक मीटर स्क्वायर में कितना रुपीस खर्चा हुआ, देखो 10 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, और उसको टोटल खर्चा हुआ कितना 15,000, तो तुम्हें अगर लेटरल सर्फेस एरिया निकालना है, तुम सोचो अगर मैंने बोला कि 10 चॉकलेट, अच्छा 10 एक चॉकलेट का दाम हमको निकालना है, एक चॉकलेट का दाम, तुम सोचो मैंने अगर तुमको बोला 100 रुपए दिया, ठीक है, आई हैव गिवन यू 100 रुपीस एंड बोला कि 10 रुपए का कलम लेके आओ, पेन लेके आओ 10 रुपए वाला, तो कितना पेन मिलेगा तुमको, 100 रुपीस तुमको दिया और मैंने बोला कि 10 रुपए वाला पेन लेके आओ, तो कितना मिलेगा तुमको, 10 पेन्स मिलेगा, 10 या 100, मतलब तुमने क्या किया, 100 को अगर 10 से डिवाइड किया तो तुमको नंबर ऑफ पेन्स मिल गया, हाँ ना। अगर मैंने बोलूं 100 रुपए देके बोला कि 20 रुपए वाला पेन लेके आओ, तो 20 रुपए वाला कितना पेन मिलेगा, 20 40 60 80 100, मतलब 5 मिलेगा, तो वो 5 कैसे निकाला तुमने, 100 डिवाइड बाय 20 किया, तो टोटल कॉस्ट पता है तुमको इसका, चार वॉल का टोटल कॉस्ट कितना है 15,000, और एक मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है 10 रुपए, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है ना, टोटल खर्चा पता है, एक मीटर स्क्वायर का खर्चा पता है, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा, तो टोटल खर्चे से अगर एक मीटर स्क्वायर का एरिया डिवाइड कर दो तो तुमको कितना मीटर स्क्वायर है मिल जाए, ठीक है, तो क्या लिखोगे अभी, कॉस्ट ऑफ, अच्छा ऐसे लिख दो पहले, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना है 15,000, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है रुपीस 10, तो देयरफॉर सीएसए चारों वॉल कितना रुपीस में कवर किया 15,000, और एक मीटर स्क्वायर का 10 रुपए, तो चारों वॉल का एरिया मतलब क्या है सीएसए, तो CSA of
द रूम, ठीक है, तो CSA ऑफ रूम या फिर सरफेस एरिया ऑफ फोर बॉक्सेस लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, टोटल जो कॉस्ट है 15,000, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक एक जीरो तो गया कटा लूंगी, तो टोटल एरिया क्या होगा, देखो रुपीस रुपीस भी जाएगा, तो CSA क्या होगा, 1500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक मीटर स्क्वायर का दाम है 10 रुपए, तो 10 से अगर डिवाइड करोगे तो 1500 जो मिलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज द CSA, मतलब चारों वॉल का एरिया मिलेगा तुमको। अभी CSA इक्वल्स टू क्या है 1500, अच्छा CSA का फॉर्मूला क्या है, नाउ CSA इक्वल्स टू क्या था, 2H L + B, CSA बिठाओ 1500, 2 इंटू H इंटू L प्लस बी का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 125, तो अगर इसको सॉल्व करोगे 125 और 2 को नीचे ले आओ तो 1500 by 2 into 125 क्या देगा, हाइट देगा, तो वहां से कटाकटी करके हाइट निकल जाएगा और वो किस में आएगा, मीटर पे आएगा, वो करना करो, समझ में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट तो समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया, ये तुम मान लो टोटल कॉस्ट 15,000 रुपए, एक कलम का दाम है 10 रुपीज, तो कितना कलम आएगा, कितना पेन आएगा इसको डिवाइड करने में, तो वो सिंपली पेन को मीटर स्क्वायर से एरिया से डिवाइड, मतलब एरिया से रिप्लेस कर दो, तो CSA ऑफ द रूम मतलब क्या है, ये चारों वॉल को कलर करने में कितना कितना कलर, कितना मीटर स्क्वायर का वो एरिया होगा, वो कैसे निकालो, टोटल से एक का एक मीटर स्क्वायर डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा तुमको टोटल CSA, ठीक है, समझ में आया था। तो अभी देखो हम लोग आएंगे एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज का नंबर 4 में, 4 पार्ट बहुत ही सिंपल है, क्या बोला देखो, द पेंट कंटेन्स द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर, मतलब हम लोगों का जो कलर का डिब्बा आता है ना, बोला कि एक कलर का डिब्बा में जितना पेंट है उसके अंदर उससे तुम कितना एरिया पेंट कर सकते हो, 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक पेंट का डिब्बा से इतना तुम कलर कर सकते हो, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अभी क्या बोला, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, एक ब्रिक दे दिया है, ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, दिस इज अ ब्रिक, ठीक है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, तो बोला कि कितना ब्रिक तुमको कलर कर, मतलब एक पेंट का डिब्बे से कितना ब्रिक को कलर कर पाओगे, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, एन पकड़ लेते हैं ना, तो अभी एक ब्रिक का TSA निकालो, तो एक ब्रिक का जितना TSA होगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स करने से क्या होगा, ये होना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय TSA ऑफ वन ब्रिक, वो जो अभी तक जैसे किया वैसे ही होगा ना, कि एक पेंट एक डब्बे से इतना कलर कर सकते हो, तो बोला कि ब्रिक का लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, तो ऐसा कितना ब्रिक तुम कलर कर पाओगे, तो एक ब्रिक का एरिया निकाल लिया TSA, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें एन की, सपोज एन एन ब्रिक को हम लोग कलर कर पाएंगे, वो मिला के एक का एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिला के क्या होगा, इसका एरिया का समान होगा, ठीक है, तो वहां से तुमको एन निकल जाएगा, ठीक है, वो करना। और देखो ये सेंटीमीटर में है तीनों, ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाना, हाँ इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लेके जाओ, इजी होगा, कैसे करोगे देखो, 1 meter इक्वल्स टू क्या है 100 centimeter, जब 1 meter स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा 100 centimeter स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 meter स्क्वायर और यहाँ पे 100, मतलब 1, 2, 3, 4 centimeter स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर लेने से क्या करना पड़ेगा 9.375 इनटू एक के बाद कितना जीरो होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो अगर तीन जीरो की वजह से ये तीन पॉइंट इस तरफ जाएगा और चार नंबर के लिए एक जीरो आएगा, मतलब 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया था। 5 और 6 घर पे करना, ये एकदम इजी है, मैं इसको नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिस द इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा लंबा है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट बोल के। क्या बोलो,
Santi Sweet Stall was placing an order for making cardboards for packing their sweets. अच्छा जो कार्डबोर्ड होता है ना जिसमें मिठाई जाते हैं हम लोग वो है क्या बोला टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड मतलब एक बड़ा बॉक्स है ठीक है और एक क्या है छोटा बॉक्स है ठीक है तो द बिगर बॉक्स हैज अ डायमेंशन ऑफ 25 20 और 5 25 अच्छा इसका अगर ये लिख दूं बना दूं तो कैसा होगा ऐसा टाइप का लेंथ पता है तुमको 20 और ये 5 ठीक है ये है तुम्हारा बड़ा वाला सिमिलरली छोटा वाला का भी दिया है 15 12 और 5 अच्छा इसका भी बना लेते हैं 15 12 और 5 ठीक है सेंटीमीटर में है तो नो प्रॉब्लम फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा अच्छा ओवरलैप के लिए अभी देखो जो बॉक्स है ना उसको देखना पूरा ऐसे सिंपल वो क्यूबॉइडल शेप में नहीं रहेगा जब वो खुला रहेगा उसका क्या होगा इस साइड उस साइड में थोड़ा फोल्डिंग के लिए रह जाता है तो उसको कितना है 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ठीक है टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिक्वायरिंग 250 बॉक्सेस अच्छा तो पहले तो मैं एक का दिखा दूंगा मैं स्टेप समझा दूंगा ठीक है खुद से तुम्हें करना है तो देखो मैं बड़ा बॉक्स के लिए फॉर बिग बॉक्स के लिए हम लोगों को क्या पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है तो इसमें से तुम पहले क्या निकालोगे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे बाय यूजिंग द फार्मूला अभी टोटल सरफेस एरिया से नहीं होगा उसका क्या बोला 5% एक्स्ट्रा ऐड किया 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया मतलब जो टोटल सरफेस एरिया होगा प्लस क्या करोगे 5% ऑफ TSA ठीक है ये हो गया तुम्हारा सरफेस एरिया Excuse me. Of surface area of big box. ठीक है क्या होगा TSA होगा उसके साथ 5% of TSA मतलब 5/100 into TSA जितना होगा वो हो गया मिल गया तुमको ये कितना box के लिए मिला एक box के लिए मिला ठीक है ये मान लो surface area है ऐसे अभी ऐसा कितना box है 250 250 box है तो सरफेस एरिया फॉर 250 बॉक्सेस निकालो 250 बॉक्सेस के लिए क्या होगा सरफेस एरिया इनटू 250 करना पड़ेगा उसमें से क्या निकल आएगा सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस निकल आएगा ठीक है ना अच्छा इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर सेंटीमीटर तो देखो ये जो 250 बॉक्स के लिए निकालोगे तुम सरफेस एरिया वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा तो कॉस्ट ऑफ अभी देखो ये पार्ट इतना तक किया TSA निकाला 5% ऑफ TSA निकाल के इसके साथ इसको प्लस कर दिया ठीक है मिला कुछ उसको एक बॉक्स के लिए उसका एरिया है अभी 250 से मल्टीप्लाई करने से 250 बॉक्सेस का सरफेस एरिया मिल गया अभी क्या होगा कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ₹4 तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा ₹4/1000 ठीक है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा 4/1000 होगा तो कितना सेंटीमीटर है कॉस्ट ऑफ कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है जो यहां से निकलेगा सपोज ए सपोज मैं क्या है पता नहीं है मैंने ए लिखा तो कॉस्ट ऑफ ए सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा ₹4/1000 इनटू ए का मिल जो होगा मल्टीप्लाई करके वही लिखना है यहां पे ठीक है तो तुम्हें ये जो कॉस्ट मिला ये किसका कॉस्ट मिलेगा ये बड़ा बॉक्स के लिए कॉस्ट मिलेगा अभी छोटा बॉक्स के लिए भी तुमको सेम काम करना है पहले TSA निकालना है फिर TSA के साथ 5% ऑफ TSA निकालना है ठीक है जो आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई करना है फिर उसका सेम वे में कॉस्ट निकालो फिर दोनों जो कॉस्ट निकलेगा यहां से और यहां से उसको प्लस कर ठीक है दोनों प्लस करने से तुमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब तुम यही स्टेप्स फॉलो करोगे तो वो इजी हो जाएगा ठीक है सबको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है तो नो प्रॉब्लम और ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बोल दिया तो एक के लिए निकाल फिर जितना आएगा उसके लिए निकाल लेना ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वाला मैं खुद से तुम लोगों के लिए रखा हूं जो जो डाउट है वो तो है वो ही मैं वो कर लेना मैं दिखा दूंगा अच्छा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब लोग घर पे रहना और सेफ रहना। चलो बाय।